नमस्कार, मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 47 में, जहां आज हम बात करने वाले हैं ओला, जो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च कर रहा है, जो एक सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर तक की एवरेज देगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ओला इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में जल्दी ही लॉन्च किया जाने वाला है। कंपनी ने इस दमदार इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की बेहतरीन फीचर से लैस किया है। साथ ही साथ एक अच्छी खासी राइडिंग रेंज के साथ ये दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार कंपनी ने इस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की डीलरशिप नहीं बल्कि सीधा प्रोडक्शन प्लांट से ग्राहकों तक डिलीवर करने की योजना बन रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर होम डिलीवर करने का फैसला मौजूदा हालत में देखते हुए किसी और कीमत को अंतर खत्म करने के लिए हो सकता है। खास ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को ग्राहकों के बार बार डीलरशिप के चक्कर बचाने के लिए सीधा प्रोडक्शन हाउस से बेचा जाएगा। बता दें कि ओला के CEO भावेश अग्रवाल ने शुक्रवार की शाम को ट्विटर पर अपने फॉलोअर से पूछा था कि वो स्कूटर की ऑनलाइन खरीदी करना चाहेंगे या स्टोर में जाकर परचेज करना चाहेंगे। तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोल डाला था, जिसके जवाब में उनके फॉलोअर्स ने बोला कि वो ऑनलाइन स्कूटर खरीदना चाहेंगे जिसकी घर पर ही डिलीवरी हो जाएगी। इसमें करीब 4,500 लोगों ने हिस्सा लिया था। बता दें कि कंपनी के इस ऑनलाइन स्कूटर की बुकिंग में 500 रुपये से शुरू हुई थी, जिसके बाद 24 घंटे में इसके 1,00,000 से ज़्यादा बुकिंग मिल गई। अधिकारियों का दावा है कि इस ऑनलाइन स्कूटर को केवल 18 मिनट में 50% तक चार्ज किया जा सकता है, जिसकी ड्राइविंग 75 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। भारत के बाज़ार में यह स्कूटर मुकाबला देगा एथर 450X और टीवीएस iQube से। फीचर्स की बात करें तो ओला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर में डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प, सिंगल पीस हीट, चार्जिंग पोर्ट, LED DRLs, LED टेल लाइट्स और सामान ले जाने के लिए एक हुक और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट और इस स्कूटर में सबसे बड़ा बूट स्पेस दिया जाएगा। बात की जाए इसके प्राइस की तो ये 1,00,000 इंडियन रुपीज़ में मिलेगा, जिसकी स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब न्यूज़ 47।